अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। देखिए पैन भगोना ले लिए अपन, इसमें फुल फ्लेम पे हो गया। अपन इसमें बादाम डालेंगे और इसके अंदर काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे। ये अपन बाद काजू डाल लिए, ये बादाम, बादामी रंग का हो गया, निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेंगे। दूध को अच्छे तरीके से गर्म करना है अपने को। एक बॉइलिंग हो गई है, उसको और एक बॉइलिंग के लिए रखे। इसको जितना बॉइल करेंगे उतना गाढ़ा दूध होता अपना। दूध बॉइल हो रहा, बॉइल होने के बाद अपन क्या करेंगे, चावल को लेके अपन पीस लिए, पीस लिए बाद अपन इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके ऐसे जब मुंडा ने बना बल्कि अच्छा अपन ऐसा हिलाते जाएंगे। थोड़े चावल लेके ऐड करते जाएंगे। दो फ्लेम पे रखे अपन, इसके अंदर ऐड करेंगे अपन शक्कर, अब एक लीटर दूध है तो अपन, अब अगर ज़्यादा मीठा खाते तो अपन पाव से भी आधा पाव बोलते ना, आधा पाव भी दे सकते। इसको ऐसे से अपन खिलाते देंगे जब तक अपनी खीर गाढ़ी नहीं हो जाए। अपनी खीर देखिए अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई। अभी ठंडी होने के बाद भी बहुत अच्छी सी गाढ़ी होती। अब इसके अंदर अपन डालेंगे मिल्क मेड, एक स्पून भी ले सकते अपन मिल्क मेड। इलायची है ऐसा निकाल लेंगे, निकाल लेके अपने इलायची को ऐड कर देंगे। इलायची का फ्लेवर अच्छा था। थोड़ा धीमी आंच पे अपन इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। बना लिए इसको अपन क्या करेंगे, घी को अच्छी तरीके से गरम कर लिए अपन, इसको पूरी घी को ऐड कर लेंगे। देखिए इसको घट खीर बोलते हैं, पतली भी आती है, कई तरीके के खीर आते हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह और एक रेसिपी देंगे खीर की। देखिए अपनी खीर रेडी है, अच्छी घट घट वाली खीर है ये। ऐसे तरीके से बनाइए, खाइए।